बुलंदशहर पुलिस ने अंतर्राज्य वाहन चोरी गैंग के 3 सदस्य पकड़ लिए हैं। पकड़े गए चोरों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 14 दोपहिया वाहन बरामद हुए हैं। वहीं चोरी की ये वाहन पुलिस के नगर के आंचलन प्रशिक्षण केंद्र में बंद इमारत में बरामद हुए हैं। एडिशनल SP अनुकृति शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए तीनों अपराधी शातिर किस्म के वाहन चोर हैं और अंतर्राज्य वाहन चोरी गैंग के सदस्य हैं। उन्होंने बताया कि ये तीनों आरोपी दिल्ली, नोएडा और अन्य प्रांतों से दोपहिया वाहन चुरा कर बुलंदशहर और आसपास लाकर बेचते थे। ASP इन्हें बताया है कि पकड़े गए आरोपी योगेश पर 21, साजिद पर 9 और करण कुमार पर दर्ज 14 मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि कोतवाली देहात पुलिस और SOG ने संयुक्त कार्रवाई कर आरोपियों को नगर के ब्रह्मानंद कॉलेज के निकट से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। हम लोगों की टीम्स लगातार जो बाइकें चोरी हो जाती है उन पर काम कर रही थी। इसी के अंतर्गत कोतवाली देहात की जो टीम है, स्पेशली SOG, ये लगातार इस पर काम कर रहे थे। इन्हें एक बुकफिट से सूचना मिली थी जिसके निशानदेही पे इन्होंने 3 बाइकें बरामद की। जब उन लोगों को हिरासत में लिया गया, उसमें मेन अभियुक्ता योगेश और प्लाला, जो पहले भी चोरी के अपराध में जेल जा चुका है नई मंडी चौकी से ही पिछले साल, तो इसने फिर अपने 2 अन्य साथियों का नाम बताया, जिनका नाम है साजिद और भाटी और करण कुमार। इन लोगों पर भी पहले मुकदमे रहे हैं और ये भी जेल जा चुके हैं। तो फिर इन तीनों की निशानदेही पे विभिन्न अपराधों में, जो इन्होंने सिकंदराबाद से, खानपुर से, हरियाणा से, दिल्ली से बाइक्स चुराई थी, उन सबको बरामद किया गया है। टोटल 13 बाइक्स हैं और 1 स्कूटी बरामद हुई है। मैडम, इन लोगों पे कितने मुकदमे दर्ज हैं, क्या लंबान का अपराधी इतिहास है? इसमें आप जैसे देखेंगे, योगेश और लाला का सबसे ज़्यादा आपराधिक इतिहास है। इन पर पहले से ही करीबन 14 मुकदमे रहे हैं। इसके अलावा जो अन्य अभियुक्त हैं, एक जो भाटी हैं, साजिद और भाटी और करण कुमार, इनके भी आपराधिक। क्या मैडम ये ऑन डिमांड चोरी क्या करते थे बाइक? नहीं, ये जो भी बाइक जिनका लॉक पुराना हो जाता है उसको चोरी कर लिया करते थे और उसको बहुत ही कम दामों में, जैसे 4 से 5 हज़ार में किसी को भी, जो डीडी पर्सन है उसे दे देते। नहीं, इनका मेनली चोरी का ही काम था। इनमें से जो योगेश और फलाला हैं, ये पहले पिकअप भी चोरी किए थे नई मंडी से जब ये पिछले साल। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए बुलंदशहर से अवनीश त्यागी की रिपोर्ट।